So hey, good evening all student. I am here. This is Himani Joshi from हल्द्वानी उत्तराखंड. तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँगी, सो या मैं यहाँ पर हूँ. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नर्सिंग का एंट्रेंस दिया था. ओके, तो मैं आपसे ये बोलूँगी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे और कुछ गलत कर दोगे. तो आज का जो क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट का मेरे से ये था या फिर मेरा आपसे यह है कि अगर आपके 50 मार्क्स हैं क्या आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, क्या आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्या आपकी प्राइवेट में जाने से बच जाओगे, क्या आपके लाखों रुपए बच जाएंगे, अगर हाँ या ना. तो आगे वीडियो में बनी रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिए. कुछ भी बोलने से पहले मैं वो PDF ओपन करती हूँ जो कि उत्तराखंड BSc नर्सिंग 2022 का रिजल्ट है, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं. ओके स्टूडेंट, यह है उत्तराखंड BSc नर्सिंग 2022 की PDF जिसमें है रिजल्ट नर्सिंग के बच्चों का, BSc नर्सिंग का जिन्होंने एग्जाम दिया था. अगर आप इसमें गौर फरमाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि इसमें 80 मार्क्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के हैं जिसमें कि वैष्णवी और आरती आते हैं और जिनकी रैंक है 1 और 2. उसके बाद स्कोर में गिरावट आती है और रैंक पहुंच जाती है 76 में, जिसमें कि आप देखोगे जया की है रैंक 3 जिसके 76 मार्क्स हैं, फिर स्वाति पंगज के 72 मार्क्स हैं और जिनकी रैंक है 4 और 5, देन रचना के 71 मार्क्स हैं रैंक है 6 और आकाश के 69 मार्क्स हैं रैंक है 7. उसके बाद फिर आप देखोगे कि रैंक उसके बाद आप देखोगे फिर अवंतिका जिसके 60 मार्क्स हैं और उसकी रैंक क्या है 24 पे पहुंच गई है. तो इतने बच्चों के 69 हैं, ठीक है. तो लास्ट जो 60 नंबर हैं वो है अवंतिका जिसकी रैंक यहाँ पे 24 है. देन उसके बाद 59 से स्कोर स्टार्ट होता है जो कि रिजवान जो मेल कैंडिडेट है इनके 59 मार्क्स हैं और इनकी रैंक है 25 और 59 का स्कोर हमारा ख़त्म हो जाता है कल्पना तक. कल्पना के 59 लास्ट हैं और इनकी रैंक है 35. उसके बाद आप देखोगे कुछ बच्चों के 2 से 3 बच्चों का स्कोर क्या है 58 है, ठीक है. तो ये तो था हमारे 58. अब कुछ बच्चों का 57-56 समथिंग भी स्कोर होगा. बट अगर आप लोग लास्ट देखते हैं, ठीक है, अगर आप लास्ट देखेंगे जो लास्ट 50 नंबर वाली बच्ची है जिसके लास्ट में 50 नंबर आ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ किस बच्चे की बात कर रहे हैं कि 50 नंबर वालों को कॉलेज मिलेगा या नहीं. तो लास्ट इस PDF में आप ध्यान से देखिए, रिया चौधरी नाम की लड़की है जिसके नंबर हैं 50 और जिसकी रैंक है 151. ओके, तो रिया की रैंक है 151 और यहाँ से हमारा 50 का आंकड़ा ख़त्म होता है. तो एक मोटा मोटा आप अंदाज लगा लीजिए कि स्टूडेंट्स 151 तक हमारे पास ऐसे रैंक वाले स्टूडेंट हैं जिनके नंबर क्या हैं 50 हैं. उसके बाद आप देखोगे नंबर इससे 50 से 49-48 स्टार्ट हो जाते हैं और 49. ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबकी रैंक मैंने आपको PDF से बताई ताकि आप लोग देख सको और आपको अपनी आईज पे ट्रस्ट हो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ. मैंने ऐसे आपको नहीं बताया, मैंने PDF दिखाई. अगर नहीं दिखी होगी तो उसके लिए मैं आपसे बहुत सॉरी बोलूँगी. बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ 151 जिनकी 151 तक रैंक है और उनके ही 151 रैंक है और उनके 50 नंबर है, ठीक है. उसके बाद 50 से कम नंबर वाले स्टार्ट हो जाते हैं. तो गाइज, हमारे पास जो BSc नर्सिंग की सीट्स हैं वो 352 समथिंग है. ओके, और ये हो इस और कम ये सीट्स होंगी नहीं, हो सकता है कि सीट्स का लेवल बढ़ते जाए. तो 352 हमारे पास सीट्स हैं और सीट्स बढ़ सकते हैं इस बार, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल. तो और यहाँ पर 352 सीट्स में से सिर्फ 151 सीट्स ही ऑक्यूपाई हो पा रही है एक तरीके से. क्यों? अब देखो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप इजीली काउंसलिंग करवा सकते हो क्योंकि 50 मार्क्स लास्ट जिसके हैं वो है रिया चौधरी, उसकी रैंक है 151. ओके, तो 151 रैंक तक यहाँ पर क्या हो गया, बच्चे भर गए. अब 151 बच्चे भर गए, उसके बाद भी तो बहुत सारी सीटें हमारी क्या हो रही है, लेफ्ट रह रही हैं क्योंकि टोटल सीट्स हैं 352. माना इसमें से चलो 30 या 40 सीट्स आप लोग उनके लिए निकाल दो जिनको थोड़ा SC, SC, OBC या फिर DPW या EWS लगता है, चलो 100 भी निकाल दो, तो उसके पास भी आप उसके बाद भी आपके पास 250 समथिंग कुछ सीट्स बच रही हैं. ओके, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना सीट्स आपके पास बच रही है और आप लोग अप्लाई कर सकते हो विदाउट बिना सोचे. तो काउंसलिंग करवाओ स्टूडेंट्स क्योंकि सीट्स बहुत है, जिनके नंबर 50 हैं उनको इजीली कॉलेज मिल सकता है और जिनके नंबर 50 से कम है लाइक 49, 48
जिनकी रैंक 200, 300, 400 में आई है उनको भी कॉलेज मिल सकता है बिकॉज यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। ओके, तो मैं आपसे यही बोलूँगी जिनके मार्क्स 50 हैं उनको ईजिली कॉलेज मिल सकता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट जाइए, काउंसलिंग करवाइए, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट है, समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जहाँ मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूँगी। तब तक के लिए बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।